बड़ी खबर देखिए, सरकार ने अभी जो है वो कांस्टेबलों की भर्ती निकाली है, पुलिस कांस्टेबलों की। लेकिन सबसे अधिक हैरानगी की बात यह है कि पिछले 5 दिन से सीटी नहीं चल रही है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्ती हो रही है, लेकिन हजारों सैकड़ों की संख्या में जो है वो कॉल्स कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी है, जो कह सकते हैं जिन्होंने आवेदन करना था, लेकिन पिछले 5 दिन से ना साइट चल रही है, लोक मित्र केंद्र हो या फिर जो साइबर कैफे, बहुत परेशान है युवा, बहुत परेशान है। 2.5 साल के बाद ये भर्ती आई है पुलिस कांस्टेबलों की, और इनकी अब ये डिमांड है कि हमने जो है वो कांस्टेबल्स के लिए अप्लाई करना था, फॉर्म भरना था, लेकिन पिछले 5 दिन से साइट नहीं चल रही है, तो राज्य सरकार इसकी जो तिथि है वो आगे बढ़ाए, और आज भी साइट नहीं चल रही है। हैरानगी की बात ये है, और ऐसे में युवा बहुत परेशान है, तो इन्होंने डिमांड उठाई है। हम कोशिश करेंगे ये जो मुद्दा है ये सरकार तक पहुंचे, सीएम तक पहुंचे, ये मुद्दा हम उठाएंगे, क्योंकि अभी आज दिवाली थी तो ऑब्वियसली बात है सीएम भी जो है वो घर में दिवाली मना रहे हैं, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ये तिथि आगे बढ़ती है जो फॉर्म भरने की, क्योंकि इसमें जो है वो ग्लिच आ रहा है। ग्लिच किस में आ रहा है, जो साइट है लोक सेवा आयोग की, इसमें ये ओपन ही नहीं हो रही है साइट, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है वो ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना था। तो बहुत सारे युवा, हजारों की संख्या में ऐसे युवा है जो अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमें फॉर्म भरना है और पिछले 5 दिन से साइट नहीं चल रही है, सरकार हमारे बारे में सोचे, आप भर्ती इतने टाइम बाद निकाल रहे हैं। तो इस भर्ती में जो युवा जिन्होंने अभी भी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है, पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, 12 जिलों की बात कर रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, साइट नहीं चल रही है, तो इनकी जो आवाज है वो यही है कि इसकी तिथि को आगे बढ़ाए। दूसरी बड़ी खबर थी, तिथि भर्ती अब शुरू होने वाली है, ये अब ये मान के चलिए कि नवम्बर माह में, कल से ये जो नवम्बर माह में ये भर्ती शुरू हो जाएगी, इन प्रोसेस आ जाएगी, दो सप्ताह के भीतर ये भर्ती। और इसमें हमने आपको बताया था कि एक जो कंपनी है उसको चुना जाना था किस कंपनी के थ्रू होगा, तो वो अब फाइनलाइज हो ही गया है, तो बहुत जल्दी भर्ती शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें अभी जो दुखदाई बात है वो हम इसलिए कह रहे हैं दुखदाई बात, क्योंकि अभी भी जो महिलाएं हैं वो ये कह रही है कि हमारे पास डिप्लोमा 1 साल का है, तो आप जब हमने डिप्लोमा किया अभी 1998 से ये भर्ती हुई नहीं है, और आप अंदाजा लगाइए अभी तक 26 साल हो गए हैं, तो ऐसे में कम से कम जो है वो 1 साल वालों को भी लिया जाए। तो अब देखना, अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई उनका ये कहना था कि पहले तो हम एनसीटी के जो नॉर्म्स है उस हिसाब से जो है वो लेंगे, और अभी जो सूचना हमारे पास है कि लगभग 6000 पद भरे जाने हैं, इसमें 6000 से अधिक पद है, लेकिन इसमें 1 साल जो डिप्लोमा धारक है वो बहुत कम है, तो ये पेंडिंग बच जाएगी भर्तियां। तो देखना पड़ेगा सरकार क्या इसमें करती है, लेकिन अभी जो है वो 2 वर्ष का जो डिप्लोमा जिनके पास है उन्हीं को लिया जाएगा। जो एनसीटी भर्ती नवंबर माह में शुरू होने वाली है, ये जो है वो इन प्रोसेस है 2 सप्ताह के भीतर इन प्रोसेस हो जाएगी। इसके अलावा पेंडिंग रिजल्ट 903-939 का आ गया है, और भी 2-3 पोस्ट कोड के रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन अभी भी पोस्ट कोड 980 ड्रॉइंग मास्टर्स वो फंसा हुआ है, और अभी भी जो है वो 10-15 ऐसे पोस्ट कोड है जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो युवा अब सीएम सुक्खू से उनको आस है, हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि हमने पोस्ट कोड, चाहे वो जो पुराने पोस्ट कोड थे जो पिछली सरकार में सुरक्षा में जो ITR 17 उसका रिजल्ट हमने निकाल दिया है, और भी हम रिजल्ट अभी जो है वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं, 903 का आगे रिजल्ट 939 का आ गया। तो सीएम ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो पारदर्शी सोच रखती है, और हम किसी का भी रिजल्ट नहीं फंसाएंगे, जो रिजल्ट आने वाला होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब हिमाचल दस्तक से बातचीत की थी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी पोस्ट कोड के रिजल्ट फंसाने के उसमें नहीं है, मैंने क्लियर कह दिया है अधिकारियों को कि जो जिसमें बड़े स्तर पर, यानी कह सकते हैं जो मास एक होता है, मास स्तर पर जो है पेपर लीक हुआ है उसको छोड़ करके, क्योंकि एक चीज तो ये सामने है ही है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो कल की डेट में वो तो फिर चाहे वो सीएम भी हो कोई भी हो, जो पेपर लीक हुआ हो उसका रिजल्ट निकालना वो गलत है। तो सीएम ने यही आदेश दिया कि जो विजिलेंस से क्लियर है उनके रिजल्ट आप जल्द से जल्द निकाल दें। तो अब 980 और भी कई काफी पोस्ट कोड हैं, उनका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, अभी फिलहाल 903-939 का आ गया है, और अब फंक्शनल हो गया है प्रॉपर वे में राज्य चयन आयोग हमीरपुर वाला, उसमें बीच में सचिव, बीच में जो है वो कुछ अधिकारी चले गए थे छुट्टी, तो अब वापसी आ गए हैं सारे, तो धीरे धीरे सब चीजों का समाधान होगा जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर थी। इसके अलावा